बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन नोरा फतेही को कौन नहीं जानता होगा। नोरा ने कई फेमस आइटम सॉन्ग पर डांस किया है, जैसे साकी साकी, दिलबर, कमरिया। इन गानों में अपने दमदार डांस के साथ उन्होंने सभी को अपना दीवाना बना लिया है। नोरा बेहद अच्छी बेली डांसर भी है। आइए जानते हैं कनाडियन मॉडल और एक्ट्रेस के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। जीवन परिचय। नोरा फतेही का जन्म 6 फरवरी 1992 को टोरंटो, ओंटारियो, कनाडा में मोरकन फैमिली में हुआ था। नोरा ने अपनी शुरुआती स्कूल की पढ़ाई वेस्ट व्यू सेंट्रियल सेकेंडरी स्कूल टोरंटो से पूरी की। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए और अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए यॉर्क विश्वविद्यालय टोरंटो में प्रवेश लिया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की और कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया। कहा जाता है कि जब वह कनाडा से इंडिया आई थी तब उनके पास महज 5,000 रुपए थे। करियर। साल 2014 में नोरा ने बॉलीवुड फिल्म रोर से अपना डेब्यू किया था। तेलुगु सिनेमा में उन्हें अपने आइटम नंबर से पॉपुलैरिटी मिली। नोरा हिंदी के रियलिटी शो बिग बॉस के 9वें सीजन में भी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में नजर आई हैं। इसके अलावा वह डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा में भी पार्ट ले चुकी हैं। साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म माय बर्थडे सॉन्ग में नोरा अभिनेता संजय सूरी के अपोजिट लीड रोल में भी दिख चुकी हैं। साल 2020 में डांस फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D में नोरा पहली बार सहायक भूमिका के रूप में दिखाई दी। 6 मार्च 2021 को नोरा के गाने दिलबर ने YouTube पर 1 बिलियन व्यूज को पार कर लिया और वह इस रिकॉर्ड को सेट करने वाली पहली अफ्रीकी अरब महिला कलाकार बनी। नोरा फतेही का विवादों से भी रहा है नाता। 14 अक्टूबर 2021 को उन्हें ईडी ने कॉर्न आर्टिस्ट सुकेश चंद्रशेखर और उनकी अभिनेता पत्नी लीना पॉल के खिलाफ मिनी लिडरिंग मामले में बुलाया था। इसके अलावा नोरा ने जैकलीन फर्नांडिस पर अपना करियर बर्बाद करने की कोशिश का इल्ज़ाम भी लगाया है। इस मामले में उन्होंने मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराया था।